गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड टू योर करंट एंड इट इज़ वेरी इन टू द न्यूज़, दैट इज़ योर रेडिकलाइजेशन। लेटेस्ट न्यूज़ में क्यों है ये आर्टिकल? बेसिकली हम लोगों का जो टॉपिक है अभी हमारा राइसिन जो है, आपका डायलॉग जो है, आपकी मीटिंग जो है, आपकी कंडक्ट हुई है, राइट? एंड इसके अंदर जो हमारे फर्स्ट टाइम जो है पार्टिसिपेट किया हम लोगों के चीफ डिफेंस स्टाफ ने, ठीक है जी, दैट इज़ योर विक्रमजीत जी। तो उन्होंने स्टेटमेंट इस मीटिंग के अंदर स्टेटमेंट देते हुए ये चीज़ बोली कि ये जो हमारे रेडिकलाइजेशन कैंप्स हैं जो कि आपके J&K के अंदर चल रहे हैं, तो ये कंट्रोवर्सी जनरेट होगी, क्या हमारे यहाँ पर डी रेडिकलाइजेशन कैंप्स चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं। रेडिकलाइजेशन बेसिकली हम लोग आप अनस्टेबिलिटी टेररिज्म से इसको रिलेट कर सकते हो, बेसिकली ये जो टॉपिक है। सो ये जो हम लोगों का इसी चीज़ की वजह से ना ये आपके बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर आ गया। बिकॉज देखिए, जब हम लोग हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था आपके चाइनीज़ मुस्लिम्स के बारे में, दैट इज़ योर यूगर मुस्लिम्स के बारे में, तो ये भी बहुत ज़्यादा हम लोगों के ना इसीलिए न्यूज़ में चलता है। यूगर्स में भी हम लोगों का जो है, आपके जो चाइनीज़ मुस्लिम्स हैं यहाँ पे भी चाइना जो है बहुत सारे डी रेडिकलाइजेशन आपके जो है कैंप्स वगैरह चलाती है, तो इसकी वजह से आपका US ने इनको वीज़ा देने के लिए और बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, इसकी वजह से उनको वीज़ाज नहीं मिलते हैं चाइनीज़ को, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अब हम लोग देखते हैं कि डी रेडिकलाइजेशन, आपका जो रेडिकलाइजेशन है वो है क्या चीज़। देखिए, एक हमारी टर्म होती है, दैट इज़ योर लोन वुल्फ टेररिज्म। व्हाट इज़ लोन वुल्फ टेररिज्म? जब हम लोग लोन वुल्फ टेररिज्म की बात कर रहे हैं, तो जब ये ISIS वाला एजेंडा बहुत ज़्यादा आपका उठा था, तो उस टाइम पे एक IT का एक बंदा हम लोगों ने बैंगलोर से भी पकड़ा था। वो आपका क्या करता था कि रात पे, दिन में तो आपकी जॉब करता था, रात को वो जो ISIS को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता था। एंड हमने उसको जो है आपका प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर और IT के सेक्शन 66 के अंदर हमने उसको जो है अरेस्ट कर लिया था। बाद में ये पता चला कि एक्चुअली में वो उसका कोई लिंक नहीं था किसी ISIS वालों के साथ, बट हम लोग देखते हैं आपका कि वो जो आपका बंदा था वो बहुत ज़्यादा आपका जो था है ना रेडिकलाइज हो गया था, ही गॉट इंस्पायर्ड, ठीक है। तो वही हम लोगों का ना लोन वुल्फ टेररिज्म होता है, जब आपका कोई एक एक्टर, ठीक है जी, एक्टर या कोई भी टेररिस्ट है आपका, कभी भी आपका आपका जो है एक्ट करता विदाउट एनी कमांड, विदाउट एनी हेल्प ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ योर लोन वुल्फ टेररिज्म। अभी कैसे होता है? दैट इज़ बाई योर रेडिकलाइजेशन। रेडिकलाइज के हम बहुत सारे स्टेप्स पढ़ेंगे कि कैसे हैं। अब हम लोग आज की डेट में हो क्या रहा है कि हम लोग कभी भी किसी केस स्टडीज़ के अंदर ना जाते नहीं हैं और हम उसको लिटरली ये बोल देते हैं कि दैट्स अ रेडिकलाइजेशन। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, कहते हैं UK के अंदर आपका उसाम खान थे, ठीक है, जो कि आपकी स्टबिंग चाकू मारते हुए पकड़े गए आपके, दैट इज़ ऑन योर लंडन ब्रिज के अंदर। ये आपके एक प्रीचर थे, ठीक है, आपके लेक्चर्स देते थे और इनके जो लेक्चर्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रेडिकलाइजेशन थी, इनकी नफ़रत थी अगेंस्ट योर, सिंपति थी एक तरीके से आपकी टुवर्ड्स यू मुस्लिम्स। तो हम लोग देखते हैं कि ये आपका जो ये इंसिडेंट्स था, तो इन्होंने इनको जो है उसाम खान को हम लोगों ने जेल में डाल दिया था UK गवर्नमेंट ने। एंड जब भी हमने उनको फिर छोड़ा, फिर उसके बाद दोबारा से वो स्टबिंग करते हुए आपके पकड़े गए। इससे क्या पता लगता है कि हमने जब उसको बिना उनकी केस स्टडी को क्यों ऐसा किया, हमने उनको सिंपली बोल दिया लोन वुल्फ टेररिज्म कैटेगरी के अंदर डाल दिया, तो हम लोग उसको अच्छे से उस केस स्टडी को देख नहीं रहे। आज की डेट में हमने ओवर सिंप्लीफिकेशन कर दिया चीज़ों की। जब भी हमारे को कोई केस नज़र आता है, हम लोग लोन वुल्फ टेररिज्म की कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं, और जिसकी वजह से एक बहुत मतलब कि एक सेटबैक पहुंचता है और हमारी पॉलिसी जो है आपका एक बहुत बड़ा फेलियर होता है ये। अदरवाइज हमें वो रीज़न पता चलेगा तो हम लोग उसको स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कोई फैमिली प्रॉब्लम्स है या किस वजह से, किस गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से वो बंदा जो है रेडिकलाइज हुआ है, उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। एंड US के अंदर कहते 2 अटैक्स हुए थे, दैट इज़ योर जॉइंट बेस पोल हार्बर एंड योर पेनिनसुला नेवल। देखिए, अब ना UPSC में क्या है कि जब तक आप केस स्टडीज़ नहीं डाल रहे तो फॉरगेट कि आपके जो है आपको कभी भी नंबर मिलेंगे। देर ऑलवेज अ वन थिंग जो कि हम लोग हमेशा आंसर राइटिंग में बच्चों को बताते हैं
कि देयर इज अ टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड योर C++, 4C + 1C. ठीक है, 1C दैट स्टैंड फॉर योर कंटेक्स्ट. अगर वो आपको पूछा जा रहा है तो आप बताइए कि वो न्यूज़ में क्यों है. ठीक है, दूसरा आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए उस सब्जेक्ट के बारे में, राइट. एंड थर्ड जो हम लोगों का है दैट इज़ योर केसेस. ठीक है जी, देन इज़ योर कमिटीज़ के बारे में आप उस चीज़ को ज़रूर बताइए. एंड लास्ट सी दैट इज़ योर +1, दैट इज़ योर कंक्लूजन इज़ देयर. तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए. केसेस जैसे कि अभी हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, दैट कैन बी योर जैसे केशवानंद भारती केस है, या फिर आपका राइट टू प्राइवेसी को लेके है हम लोगों का, दैट इज़ योर पुट्टा स्वामी केस है. तो ऐसे केसेस या फिर एग्जाम्पल्स या फिर उससे रिलेटेड अगर हमारी कोई कमेटीज़ हैं तो हमें मैंशन करना ज़रूरी होता है. तो जब भी आप GS के अंदर कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो इस चीज़ को हमेशा देखिए कि आपको एक एग्जाम्पल ज़रूर पता हो. तो बेसिकली आप उसको जो है आप अपने आंसर को और जो चीज़ आप लोग लिख रहे हो उसको एक कन्वेंशनली तरीके से आप एक UPSC को बता रहे हो कि येस आई नो दिस पॉइंट. ठीक है, सो बेसिकली ये हमारा US के दो हमारे अटैक्स थे. ठीक है, यहाँ पे जो आपका मोहम्मद अल शामरीन करके आपके जो बंदे पकड़े गए थे, इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा था अगेंस्ट योर टुवर्ड्स योर US, अगेंस्ट योर मुस्लिम्स, बिकॉज मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा आपका जो है वहाँ पे हरासमेंट देखनी पड़ती थी. तो इस वजह से हम लोग देखते हैं कि इनको डेफिनेटली हम लोगों ने बोला कि ये आपके एक लोन वुल्फ कैटेगरी के अंदर आते थे. बट दूसरा हम लोगों का जो थे, अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको अगर हम लोग अगर अच्छे से स्टडी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपका कमांड एंड स्ट्रक्चर का पार्ट जिसको बोला जाता है कि कोई उसको कमांड करके उसको बता रहा है ऐसा करने के लिए, तो तब तक हम उसको सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे. दैट इज़ योर काउंटर रेडिकलाइजेशन एंड मेजर्स नहीं ले रहे. ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का जो आता है दैट इज़ योर बेसिकली प्रोसेस जो कि आपके रेडिकलाइजेशन के थ्रू होते हैं. ठीक है, कहते हैं रेडिकलाइजेशन में बेसिकली हमारे चार स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. द फर्स्ट वन दैट इज़ योर जिहादी. आपकी बेसिकली रेडिकलाइजेशन के हमारे चार स्टेप्स माने जाते हैं. ठीक है, दैट इज़ योर प्री रेडिकलाइजेशन. एस से दैट इज़ योर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन. आई से हम लोगों का इनडॉक्टराइजेशन. ठीक है जी, एंड फोर्थ इज़ योर जिहादाइजेशन. तो आपको कभी पूछें कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेडिकलाइजेशन, या फिर आपको इसकी बेसिक नॉलेज के बारे में पूछा जा रहा है तो आप बता सकते हो. प्री रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब एक आपका एक स्टेट ऑफ माइंड जो है आपका बिल्कुल ब्लैंक है, तभी हम लोग बोलते हैं कि आपके जो टीनेजर्स हैं उनका माइंड जो है बिल्कुल ब्लैंक होता है, और उनको ढालना और उनको जो है तभी आपके जनरली जो है आपके स्टेट एक्टर्स नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं हम लोगों के, ये आपके टीनेजर्स को ही एड्रेस करते हैं बिकॉज दे आर इनटू योर प्री रेडिकलाइजेशन स्टेट. वो कुछ नहीं सोच रहे, उनका जो माइंड स्टेट माइंड है दैट इज़ कम्प्लीटली ब्लैंक. उसके बाद सेकेंड जो स्टेज आती है दैट इज़ योर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की, जहाँ पे देखिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी हम लोग हमेशा बोलते हैं कि देर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ योर आइडेंटिटी क्राइसिस, जहाँ पे उसको ये बताया जाता है कि आपकी जो आइडेंटिटी है दैट इज़ डिफरेंट एंड यूनिक फ्रॉम द अदर्स. क्यों मुस्लिम अलग हैं, क्यों वो यूनिक है, एंड दैट कैन बी एनी थिंग, नॉट जस्ट अबाउट योर दिस थिंग. ठीक है जी, थर्ड जो हमारी स्टेज आती है दैट इज़ योर इनडॉक्टराइजेशन. ठीक है, इनडॉक्टराइनाइजेशन ये क्या है हम लोगों की, जहाँ पे हम लोग उस बंदे को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि उसकी जो कम्युनिटी है दैट इज़ फेसिंग अ थ्रेट, उसका एक माइंड वॉश किया जाता है, और माइंड वॉश करके हम फाइनली जो आपका अटैक करवाते हैं उसके अंदर फीलिंग आ जाती है रिवेंज की, दैट ही विल बी अ टेररिस्ट, ही विल डू सम योर टेरर एक्टिविटी. दैट इज़ बेसिकली योर जिहादाइजेशन. जिहाद का एक मतलब जो है हम लोगों का एक ये भी माना जाता है कि अपने अंदर की बुराइयों को मारना. ठीक है, जो इस्लाम के अंदर लिटरली दिया हुआ है, तो इस टर्म को जो है इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है. जब वो फाइनली ये चीज़ को ऑप्ट कर लेता है कि हाँ जी मैं कुछ ना कुछ करूँगा ही अपने धर्म के लिए, तो दैट इज़ योर जिहादाइजेशन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कभी रेडिकलाइजेशन के ऊपर कोई टॉपिक आ रहा है तो आप ये बताइए कि कौन कौन से स्टेजेस हैं इसको. जिहाद सल्फासी आइडियोलॉजी का नाम देते हैं हम लोग इसको. अब ये सारी हमारे डी रेडिकलाइजेशन की बातें होगी. अब चैलेंजेस क्या हैं, देखिए हमारी जो है सोसाइटी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है,
ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है कि मदर्स का रोल बहुत कम है, फादर इन्फ्लुएंसिंग है. कई बार हम लोग देखते हैं आपका जो फैमिली रिलेशंस हैं उस बच्चे के अपने माँ बाप के साथ अच्छे नहीं हैं, और स्टेट जो है कई बार बहुत कम इंटरवीन कर पाता है, बिकॉज हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटाइजेशन है, हमारे यहाँ प्रॉपर डेमोक्रेसी है, तो कई बार ये चीज़ें एड्रेस नहीं कर पाते, नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन फैक्ट इन टू द वर्ल्ड. तो ये एक बहुत बड़े चैलेंज हैं, ठीक है, रेडिकलाइजेशन को लेके. एंड आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, एंड आप लिंक कर सकते हो रेडिकलाइजेशन और आपका लोन वुल्फ टेररिज्म से रिलेटेड. सो थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू.